बलदेवगढ़ अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत केलपुरा खीरक गुरार खेरा में ग्रामीणों द्वारा पानी की समस्या को लेकर ग्राम में पानी के खाली बर्तन लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि नल जल योजना के अंतर्गत ग्राम में 2 वर्ष पहले पानी की पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन खीरक गुरार खेरा अभी तक नलों में पानी नहीं सप्लाई किया गया है। साथ ही खीरक में जो हैंडपंप लगे वह भी खराब पड़े हुए हैं, जिससे लोगों को पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सरकार से लगाई पानी की गुहार। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। छोटी बात, क्या समस्या है? पानी की है साफ समस्या। क्या है यहाँ पे नल जल योजना नहीं है? कुछ नहीं आता है। तो क्या टोटी होती है? कुछ नहीं, टोटी दुआ लगी है तो मिटारा ही लड़े ने 2 साल से पानी ही नहीं आ। तो क्या पहले से शुरू से ही पानी नल जल योजना का है? कोई कुछ नहीं है। वो यहाँ पे हैंड पंप जो हैंड पंप लगो जो मिट जाओ पानी ही नहीं करे, उनमें नहीं कुछ नहीं। अब कितने जाएंगे, 2 किलोमीटर दूर पानी जाता, खावे की परेशानी। मान दुई कर लेंगे तो खाचा उठा लेंगे, ना मान दुई कहेंगे तो जे बैठे घा घर औरतें और लोग मुझसे लू श्रीमान जी का करेंगे का खा। महीना पे नाज मिलता है तो आजकल वो भी देता है भी पूरा नहीं देता है नाज। और पानी की सब परेशानी है। अब का कहें आदि लोग राणे भाई नहीं आदि आवाज में अब कितने जा मुझसे लू पा देसा चले गए तो बे कमावे चले गए लोग आई हैं तो पानी ही पानी भर रहे लगा बिजिया बेई रोड है। अब का कर ले मैं सब जा बता जा तो खाते पैसा अब वो तो मन दुई ना लगा तो खाते पैसा नहीं रास है तक मर रहे हैं। अब का कर श्रीमान जी अब हम कहाँ से हुआ? ग्राम केलपुरा गुरा खेरा से। क्या समस्या है सर? पानी की सारी समस्या है। पानी सुबह से लेटे से लगी लगी 1 किलोमीटर दूर लाइन में पानी भरते भरते उनको 12-1 बज जाता है। न बच्चों को टाइम से खाना, न स्कूल भेजना, न कुछ नहीं। इसलिए सर जो पहले मजदूरी करते थे अब भी मजदूरी नहीं कर पा रहे। पानी की समस्या कब से चल रही है? क्या नल जल योजना नहीं है? नल जल योजना पाइपलाइन डली हुई है। एक दिन ठेकेदार से निवेदन किया तो पंडित जी है कोई तो कह रहे भाई जिसके पास शिकायत करनी हो करिए आप, और मेरा जो काम था पूर्ण हो चुका है। क्या तहसीलदार SDM CMHO एक बार उनके पास आवेदन दिया ग्राम पंचायत में, एक बार 181 पे मैंने कॉल की तो कह रहे आपका समाधान हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं, अभी इतने दिन से भरते आ रहे तो भरो। रोड पे जाते हैं तो एक दो ऐसे हादसे हुए हैं कि अभी भी विकलांग पड़े हुए हैं लोग, अगल बगल से बाइक लगा के मारते हैं टक्कर तो बर्तन वर्तन कहीं और वो कहीं। तो इसलिए श्रीमान मेरा निवेदन है कि जो जल नल योजना सभी गांव में जैसे बारिश में पानी बहता है ना, हर जगह लैंड लीक डाले हुए हैं ठेकेदारों ने। उनने तो अपना वो कह रहा मेरा जो समय था 1.5 करोड़ का हो चाहे 2 करोड़ का हो अपने पूरा कर लिया, पेट भर लिया। शासन प्रशासन से निवेदन यही है कि हम गरीबों की सुने, सिर्फ पानी मांग रहे। जल ही जीवन होता है, पानी से सबसे बड़ी समस्या है। 250 लोगों की यहाँ समस्या है। अब 250 लोग फिर उनका परिवार हुआ तो इस चीज से सबसे ज्यादा परेशान है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।